नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 8 जून 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर ऐड हो जाइए। मैं वहाँ पर आपको सारा कुछ PDF जो भी होता है, जितनी भी वीडियो मैं दिन भर में अपलोड करता हूँ, पूरी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। RBI ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में किफ़ायती मकानों हेतु आवास ऋण की मौजूदा सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 65 लाख? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, 35 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी करीब 161 करोड़ रुपए के साथ 83 नंबर पर हैं? पहला ऑप्शन से आपका महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा ऑप्शन से आपका विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन से आपका रोहित शर्मा और लास्ट ऑप्शन दोस्तों अजिंक्य रहाणे। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है बी, विराट कोहली। कौन से नंबर पे हैं? 83, और फोर्ब्स की द्वारा सूची जारी की गई और कितने? 161 करोड़ रुपये के साथ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि नंबर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए 83वें नंबर पे हैं विराट कोहली, इंडिया टीम के कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2018 से 19 में 7.3% और 2019 से 20 में कितने प्रतिशत रह सकती है? 8.5%, 9.5%, 6.5% या 7.5%? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने हाल ही में IDFC बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान की? कैपिटल फर्स्ट, देना बैंक, बंधक बैंक या एक्सिस बैंक? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, कैपिटल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCCI ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2 सीजन यानी कि 2016 से 17 और 2017 से 18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश लगातार 11वें वर्ष भी दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है? पहला ऑप्शन से आपका भारत, नेपाल, चीन या आइसलैंड? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की? 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 1,000 करोड़ या 9,000 करोड़? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, 6,000 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन से आपका, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान, चीन, रूस या ईरान? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्रीय क्रिकेट संघ को हाल ही में BCCI का सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार मिला? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसोचैम के अध्ययन के अनुसार दुनिया में ई कचरे का 5वां सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता देश निम्न में से कौन सा है? नेपाल, चीन, भारत या रूस? तो दोस्तों, 5वां जो सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता देश है वो है आपका सी, भारत। पहले स्थान पर है आपका चीन, फिर है आपका अमेरिका, फिर है आपका जर्मनी,
सॉरी, फिर है आपका जापान, फिर जर्मनी, चीन, चाइना, अमेरिका, जापान और जर्मनी। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके सबसे ज़्यादा उत्पादनकर्ता वाले देश, जो सबसे ज़्यादा कचरा ई कचरा उत्पादन करते हैं, उसके बाद है आपका भारत। तो दोस्तों ये थी आपकी 8 जून 2018 की करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स की PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें इन सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो आपको PDF के अंदर 10 से 50 क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि PDF में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ, ताकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।